कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि ठीक है आप कहते हो भगवान के नाम का जप करना चाहिए, लेकिन क्या है कि भी हम शराब पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, मांस खाते हैं, अतः हम जो है मांस छोड़ देंगे ना तब जो है भगवान का नाम लेंगे, नहीं तो अभी से मांस खा रहे हैं और अभी से भगवान का नाम लेंगे तो दुनिया के लोग कहेंगे हरे कृष्णा हरे हरे, मछली बने घरे घरे, रोजा करे रोज रोज, मुर्गी खाए खोज खोज, लोग ताना मारेंगे इस तरह से। इसीलिए हम जो है जब मांस मछली छोड़ देंगे ना तब हम भगवान का भजन करेंगे। परंतु हमारे संत लोग कहते हैं कि देखिए भगवान का नाम जो है मांस छोड़ करके नहीं लेना चाहिए, भगवान का नाम मांस छोड़ने के लिए लेना चाहिए। जैसे गंगा में पवित्र होकर के नहीं नहाया जाता है, पवित्र होने के लिए नहाया जाता है, वैसे ही भगवान का नाम पवित्र होकर के नहीं लिया जाता है, भगवान का नाम पवित्र होने के लिए लिया जाता है। इसलिए आप भले ही मांस खा रहे हो कोई बात नहीं, भगवान के नाम का जप कीजिए, भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, इतना बल है कि भगवान का नाम जब आप चालू करेंगे तो आपके भीतर की बुराइयां कब छूट जाएंगी, कब दूर हो जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए यह मत सोचिए कि मैं मांस छोड़ दूंगा तब भगवान का नाम लूंगा, नहीं। एक बात ध्यान रखिए, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप मांस खाइए, मांस को तो छोड़ ही देना चाहिए, लेकिन कदाचित आप जो है अभी नहीं छोड़ सकते तो कोई बात नहीं, आप भगवान के नाम का जप चालू कीजिए, यह मांस से बुरी आदत सब अपने आप छूट जाएगा। जैसे आप पूर्व दिशा की ओर चल दीजिए तो पश्चिम अपने आप ही छूट जाएगा, वैसे ही आप भगवान के नाम का जप चालू कर दीजिए, ये सारी बुराइयां अपने आप छूट जाएंगी। इसलिए आप इसका विचार, मांस का, बुरी आदतों का विचार न करते हुए भगवान के नाम का जप चालू कर दीजिए। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि ठीक है भगवान का भजन करेंगे, लेकिन अभी क्या है ना बहुत बहुत दुख है, दुख खत्म हो जाएगा ना तब भगवान का भजन करेंगे। हमारे संत लोग कहते हैं ना कि दुख खत्म हो जाएगा तब हम भगवान का भजन करेंगे, यह कहना तो वैसे ही है जैसे किसी व्यक्ति को समुद्र में नहाने की इच्छा है तो वह सोचे कि समुद्र की लहरें बंद हो जाएंगी ना, उसकी लहरें रुक जाएंगी ना तब मैं नहाऊंगा, तो ये कहां तक ठीक है भाई, क्योंकि समुद्र की लहरें कभी रुकती ही नहीं है, एक लहर गई तो दूसरी लहर आ जाती है, वैसे ही संसार का एक दुख गया तो दूसरा दुख आ जाता है। जैसे गौशाला में 100 गायें हैं और उनमें 99 गाय बैठी हुई है, 99 गाय बैठी हुई है और एक खड़ी है, तो आप जो है उस एक गाय को बैठाने के लिए जाएंगे ना तो पीछे से 10 गाय और खड़ी हो जाएंगी, वैसे ये संसार की समस्या है, संसार का एक समस्या आप सुलझाने जाएंगे ना तो एक तो सुलझ जाएगा लेकिन पीछे से 10 समस्या और आके खड़ी हो जाएगी। इसीलिए आप जो है यह मत सोचिए कि दुख खत्म हो जाएगा तब हम भगवान का भजन करेंगे, नहीं, जैसी भी परिस्थिति है भगवान का भजन चालू कर दीजिए। कभी कभी कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि हम भक्ति करेंगे तो क्या घर को छोड़ना पड़ेगा, तब हमारे संत लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, भक्ति करने के लिए घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, हमारा शास्त्र और हमारे संत यह नहीं कहते कि आप छोड़ दीजिए, नहीं, हमारे शास्त्र और हमारे संत लोग तो यह कहते हैं कि आप जो है कुछ छोड़िए मत, अपने जीवन में एक चीज और जोड़ लीजिए,
आप जो है जीवन में हजारों काम करते हो, उन कामों में एक काम और जोड़ लीजिए। आप खाने का काम करते हो, आप सोने का काम करते हो, संभालने का काम करते हो, सब कुछ करते हो, उन कामों में एक काम और जोड़ लीजिए, भगवान की भक्ति जोड़ लीजिए। क्योंकि आपके पास सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, स्त्री है, रुपया है, पैसा है, मान है, प्रतिष्ठा है, सब कुछ है, परंतु अगर हमारे जीवन में भक्ति नहीं है तो वह सब कुछ किसी काम का नहीं है। जैसे हजार शून्य हो, लेकिन अगर उस हजार शून्य के आगे यदि एक अंक न हो तो उस हजार शून्य का कोई मतलब नहीं है। वैसे ही हमारे पास सब कुछ हो लेकिन जीवन में भगवान की भक्ति नहीं है तो सब कुछ किसी काम का नहीं है। जैसे किसी व्यक्ति के पास बहुत सुंदर आंख है, बहुत सुंदर कान है, बहुत सुंदर नाक है, बहुत सुंदर पांव है, बहुत सुंदर हाथ, सब कुछ है, लेकिन उसके शरीर में प्राण नहीं है। अगर शरीर में प्राण नहीं है तो वो नाक हाथ कान किसी काम का नहीं है। वैसे ही आदमी के पास सब कुछ हो लेकिन अगर जीवन में भगवान की भक्ति नहीं है तो सब कुछ किसी काम का नहीं है। इसीलिए आप अपने जीवन में एक चीज और जोड़ लीजिए, भगवान की भक्ति जोड़ लीजिए।